गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे धारा घनत्व के बारे में। देखिए धारा घनत्व को हम डिनोट करते हैं बेटा जे से, और ये जो धारा घनत्व होता है ये बराबर हो जाता है जो हम उसके अंदर धारा प्रभावित कर रहे हैं और जितने क्षेत्र में वो प्रभावित हो रही है ना, उसके अनुपात के। ठीक है, तो इसको हम जे से डिनोट करते हैं, जैसे दर्शाते हैं, तो ये बराबर हो जाएगी NeVT के, मतलब हम बोल सकते हैं, और ये डायरेक्टली समानुपाती हो जाती है किसके, VD के, है ना। तो VD क्या होती है, VD होता है अपवहन वेग, है ना। तो जो धारा घनत्व है वो अपवहन वेग के समानुपाती होता है। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है बेटा ओम का नियम। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएँ जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि को स्थिर रखा जाता है तो चालक में प्रभावित धारा इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, है ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को, है ना, भौतिक अवस्थाओं को अगर हम स्थिर रखते हैं तो उसके अंदर होने वाला विभवांतर, जब हम उसके अंदर करंट जो है फ्लो करवाने लगते हैं, उसके अंदर करंट फ्लो होने लगती है, धारा फ्लो होने लगती है, तो उसके अंदर जो विभवांतर जनरेट होता है उसके वो क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। विभवांतर V किसके समानुपाती हो जाएगा, I के। अब जब भी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं बेटा तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। तो जो कांस्टेंट वैल्यू हमने यहाँ पर लगाई है वो लगाई है R, ठीक है। तो V बराबर किसके हो जाएगा, RI के। और R की वैल्यू क्या निकल आएगी यहाँ से, R की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा V अपॉन में I, ठीक है। और ये जो R होता है इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध का मतलब होता है कि अगर कोई कंडक्टर है तो वो कंडक्टर कितनी देर तक उसके अंदर रोक लगा सकता है, अपने अंदर से करंट फ्लो ना होने दे, धारा का प्रवाह ना होने दे चालक अपने अंदर से, वो कहलाता है उसका प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोध है बेटा वो क्या हो जाएगा, ये इसको हम दर्शाते हैं किससे, इसकी जो यूनिट होती है, जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम, है ना। देखिए हमने वोल्टेज को या विभवांतर को हम कैसे करते हैं, वोल्ट से मेज़र करते हैं, धारा को हम एम्पियर से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो वही वैल्यू अगर हम रख देते हैं कि अगर एक वोल्ट का करंट किसी चालक के अंदर, एक एम्पियर का करंट किसी चालक के अंदर प्रभावित हो रहा हो और उसमें विभवांतर जो है एक वोल्ट का हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक ओम के बराबर हो जाएगा। क्योंकि सर ओम्स ने ही इसे बनाया था, इसीलिए उनके नाम पर ही इसे, इसकी यूनिट रखी गई है, ठीक है। तो किसी चालक के सिरों पर एक वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यदि चालक में प्रवाहित धारा एक एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध कितना कहलाता है बेटा, उस चालक का प्रतिरोध एक ओम कहलाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, विमीय सूत्र हो जाएगा इसका, mL²t⁻³ और a²-2, ठीक है। अब बेटा देखिए किसी चालक का पदार्थ का वह गुणधर्म जो धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, है ना, धारा प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक पदार्थ का वह गुणधर्म जो कि धारा प्रवाह के मार्ग में क्या कर रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, उसको धारा को वहाँ से जाने नहीं दे रहा है अपने अंदर से, तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रतिरोध कहलाएगा। किसी पदार्थ का प्रतिरोध पदार्थ की ज्यामिति अर्थात क्षेत्रफल व लंबाई पर निर्भर करता है, है ना। किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है प्रतिरोध, एक तो जो चालक है उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा और दूसरा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, लेकिन पदार्थ के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन वो किस पर निर्भर नहीं करता है, जो विभवांतर वहाँ पर हो रहा है। हमने फॉर्मूला क्या देखा, सूत्र देखा हमने R=V/I, तो वहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो विभवांतर हो रहा है और उसके अंदर जो धारा हो रही है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रतिरोध विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है चालक की लंबाई पर और चालक के क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो चालक की लंबाई के वो क्या होता है बेटा, चालक की लंबाई के होता है वो समानुपाती और चालक के क्षेत्रफल के वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए लिखा है सामने आपको R=L/A, ठीक है। तो L के क्या है, वो लंबाई के क्या है, समानुपाती है, और जो क्षेत्रफल है उसके क्या है, वो व्युत्क्रमानुपाती है। अब
वही सेम चीज़ अगर हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट लिया है, ये जैसे पी जैसा आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं रो, है ना। तो आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन में ए के, ठीक है। और ये जो रो है ये कहलाती है प्रतिरोधकता, या हम इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध सामान्यतः क्या होता है, आबद्ध प्रतिरोध व कार्बन प्रतिरोध के रूप में होता है, है ना। आबद्ध प्रतिरोध मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम यूरेका, है ना, से संबंधित होता है, जबकि कार्बन प्रतिरोध का मान निम्नलिखित सारणी से दिया जाता है, ठीक है। अब कार्बन प्रतिरोध के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रतिरोधकता अलग होती है, प्रतिरोध अलग होता है ना। प्रतिरोधकता जो होती है वो भी डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रतिरोधकता भी डिपेंड करती है बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिए पर, और जो क्षेत्रफल होता है उस पर, और डिपेंड करती है उसकी लंबाई पर, ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता का अगर सूत्र निकाला जाता है बेटा यहाँ से, तो प्रतिरोधकता बराबर किसके हो जाएगी, बराबर हो जाएगी R इंटू ए अपॉन में L के, है ना। इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, और ये दोनों ही किसके किस पर डिपेंड करते हैं, ये दोनों ही किस पर डिपेंड करेंगे, चाहे प्रतिरोध की बात कर लें चाहे प्रतिरोधकता की बात कर लें, दोनों ही डिपेंड करेंगे कंडक्टर की या चालक की लंबाई पर और चालक के क्षेत्रफल पर, है ना। ये करंट पर मतलब धारा पर निर्भर नहीं करते और विभवांतर पर भी निर्भर नहीं करते।